पंजाब की सियासी पिच पर कप्तान के 23 खिलाड़ी उतर आए। सुबह काबीना कराकीन ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। पंजाब हुकूमत ने वज्रा की तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब की काबीना अराकीन को मुबारकबाद। पंजाब की नई काबीना की वजारतों में रद्दो बदल। राजा राशिद हफीज से रेवेन्यू की वजारत वापस। सरदार आसिफ नकई को वजीर मवासलात का कलमदान सौंप दिया गया। 15 अरकान को वजारत तफवीज, 8 को अभी इंतजार। नुमान लंगड़ियाल, हाशिम डोगर, हसनैन दरेशिक, मोहम्मद अनवर, चौधरी जहीरुद्दीन को महकमे ना मिल सके। महकमे सेहत में पहले 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी। सेहत की सहूलत सबका हक है, हमारा वीआईपी गरीब आदमी होगा। इमरान खान की सिपाही हूँ, आवाम की खिदमत करूंगी, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। सुबह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के विजन पर बाइख्तियार चेक एंड बैलेंस वाला बल्दियाती निजाम लाएंगे। पंजाब में केपी और मुशरफ दौर के बल्दियाती एक्ट का इम्तजाज होगा। चंद रोज में मुशावरत के बाद नया एक्ट असेंबली से पास कराएंगे। सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ ने बल्दियाती निजाम के तमाम इख्तियारात अपने पास रखे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इख्तियारात के लिए एहतजाज करते रहे। लॉर्ड मेयर से कोई जाती रंजिश नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी, सबको साथ लेकर चलूंगा। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम की महरूमियों का अजाला होगा। कानून की हुक्मरानी को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। तालीम सेहत हर शहरी का हक है, ये दिलवाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार उस्मान का आवाम से बराह रास्त राबता करने का फैसला। वजीर आला हफ्ते में 2 घंटे फॉर्म लाइन पर दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर भी आवाम से राबते में रहेंगे। हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी भी लगाएंगे। खातून अव्वल के साबिक शोहर खावर मानिका को नाके पर रोकने का मामला। डीपीओ पाकपतन रिजवान उमर गोंदल को ओहदे से हटा दिया। आईजी पंजाब का सीपीओ ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। खावर मानिका को नाके पर एसएचओ ने रोका, तल्ख कलामी भी हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाके का नोटिस लेते हुए डीपीओ को खावर के डेरे पर जाने का हुक्म दे दिया। रिजवान गोंदल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। डीपीओ रिजवान गोंदल का किसी दवा पर नहीं, गलत बयानी पर तबादला किया। बतौर पुलिस ऑफिसर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। शहरी से पुलिस अहलकारों की बदतमीजी पर बार बार गलत बयानी की। ट्रांसफर को गलत रंग देने और सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रिजवान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। गलत रवैये से मिसगाइड करने वाले अफसरान किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, आईजी पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट ने मियानी साहब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। कब्रिस्तान से पक्की कब्रें बनाने के रेट से मुतालिक बोर्ड्स फौरी उतार लिए जाएं, जस्टिस अली अकबर कुरैशी का हुक्म। अदालती फैसले पर मिनो अन अमल करवाएंगे एसीसीटी सफदरवर्क। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अंदरूने शहर गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ केस में डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। दाता दरबार के गिर्द तजावजात के खिलाफ केस में डीसी लाहौर भी तलब। लाहौर हाईकोर्ट का मॉल रोड पर नाजायज पार्किंग स्टैंड फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म। गाड़ियां पार्क करने के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव पार्किंग कंपनी को कल तलब कर लिया। रेलवे के
आला ऑफिसर ने तवील रुख्सत क्यों मांगी, कहानी सामने आ गई। चीफ कमर्शियल ऑफिसर हनीफ गुल ने ब्रीफिंग में 5 साल की कारकर्दगी बताई। ब्रीफिंग के दौरान साबिक वजीर साद रफी का जिक्र शेख रशीद को नागवार गुजरा। कहानियां ना सुनाएं, मुझे पता है क्या तरक्की हुई। शेख रशीद ने ऑफिसर को टोक दिया। आला सतह इजलास में सुबकी होने पर हनीफ गुल दिल बर्दाश्ता हो गए और इजलास छोड़कर चले गए। साथ ही 2 साल की तवील रुख्सत की दरखास्त दे दी। जराए इमरान खान वजीर आजम तो बन गए मगर तब्दीली न ला सके। ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही है। शहबाज शरीफ के लाडले ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में सहूलतें दी जा रही हैं। साबिक चेयरमैन मतरू का वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगु। पाक भारत आबी तनाजा, मुजाकरात के लिए आने वाले भारतीय वक्त की आमद में 1 रोज की ताखीर। वफ्द अब कल वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। मुजाकरात में सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के फ्रांसिक ऑडिट का मामला, LTA और टीपानी मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। मंसूबे के दस्तावेजात पर होने वाले अफसरान के दस्तखत की तस्दीक फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी को नया DG मिल गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने DG फूड अथॉरिटी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फूड अथॉरिटी अफसरान की महकमाना अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखने का फैसला। महंगाई से सताए आवाम पर दुकानदारों का खुदकुश हमला। दाल, लाल मिर्च, चीनी और चावल की कीमतों में अस्खुद इजाफा कर दिया। दाल, चना और माश 10 रुपये, मसूर 13 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। काले चने और बेसन की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। लाल मिर्च की कीमत 60 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। चीनी के 50 किलो के बैग में 150 रुपये इजाफा कर दिया। मेट्रोपॉलिटन का 20वां इजलास 4 सितंबर को तलब। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी। बल्दियाती नुमाइंदों की 1 अरब 91 करोड़ की तरक्याती स्कीमें एजेंडे में शामिल। मॉल रोड को असर हालत में बहाल करने और तारीखी इमारत की तजीनों आरइश की मंजूरी भी दी जाएगी। काला चश्मा, जर्क बर्क लिबास, गैर मुल्की स्मगलर हसीना ट्रेसा की आज फिर सच धज कर अदालत एंट्री। खुशगवार मूड में बाजू पर बना टैटू भी मीडिया को दिखाती रही।